स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव और एकेडमिक दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें सबसे पहले हम जानते हैं वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है। आगे आते हैं डिफिनेशन ऑफ वॉइस। तो डिफिनेशन ऑफ वॉइस को देखते हैं। देखिए, वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज दैट सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन ऑन सब्जेक्ट। यानी वॉइस क्या है? वॉइस एक वर्ब का ही फॉर्म होता है, यानी वर्ब का ही वॉइस बनाते हैं। वॉइस एक वर्ब फॉर्म होता है जो यह दिखाता है कि या तो सब्जेक्ट कुछ करता है या फिर कुछ सब्जेक्ट पर ही घटित होता है, यानी कुछ सब्जेक्ट पर किया जाता है या सब्जेक्ट कुछ करता है, तो इसे ही हम वॉइस कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ राम टीचेज मी, यानी राम मुझे पढ़ाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम है, और यह ऑब्जेक्ट मी है, यानी कि काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। फिर यहाँ देखिए, आई एम टॉट बाई राम, मतलब मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये जो आई है वो सब्जेक्ट है, और ये राम क्या है? ये डूअर है या एजेंट है, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है, और सब्जेक्ट पर काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट को काम किया जा रहा है और यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इसे ही हम वॉइस कहते हैं। जनरली स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझ लीजिए, जनरली हम क्या करते हैं कि हम जो बोलते हैं जो भी चीज़ें, वो हम किस में बोलते हैं? तो हम एक्टिव वॉइस में बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, दिया हुआ है कि इन दिस वे वी कैन सी दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो जनरली हम लोग स्टूडेंट्स करते क्या है कि जनरली हम यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस का अपने स्पोकन इंग्लिश में, या फिर जब बोलते हैं तो ज़्यादातर हम एक्टिव वॉइस का ही यूज़ करते हैं। लेकिन इसे पैसिव में भी बोला जा सकता है, पैसिव में भी इसका पैसिव भी बनाया जा सकता है, मतलब कि वाक्य का पैसिव भी बनाया जा सकता है। तो वाक्य का पैसिव बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? तो वाक्य की पैसिव बनाने की आवश्यकता इसलिए होती है जब हमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट पर, यानी कि ज़्यादा जोर नहीं दे करके, सॉरी, सब्जेक्ट कह रहे हैं ना होता है, तो उसके लिए हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। और अगर एक्शन पर ज़्यादा जोर नहीं दे करके सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे कि कोई करता है, तो कर्ता पर ज़्यादा, अगर सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर एक्शन पर ज़्यादा जोर देना होता है तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। याद देख सकते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस, ए वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट शोज दैट सब्जेक्ट डज समथिंग। मतलब कि वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना तब समझा जाता है जब उसे ये पता चले या ये वो दिखाए कि सब्जेक्ट कुछ करता है। यदि सब्जेक्ट कुछ करता है तो वो क्या होता है? वो जो होता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है, और क्रिकेट खेलने का काम कौन करता है? तो ही करता है, मतलब कि सब्जेक्ट ही काम यहाँ करता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ यह एक्टिव वॉइस हो जाएगा। वहीं यहाँ देख लीजिए, राम हेल्प मी, इसमें इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में राम क्या है? सब्जेक्ट है, और मदद करने का काम कौन करता है? राम ही करता है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। फिर आगे, यू राइट ए लेटर, मतलब कि पत्र लिखने का काम करता है, तो यू, और यू क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये भी एक्टिव वॉइस है। उसी प्रकार से सी इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, वह किताब पढ़ रही है, इसमें क्या है? सी क्या है? सी सब्जेक्ट है, और किताब पढ़ने का काम सी ही कर रही है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। अब यहाँ देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। तो ए वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन इट शोज दैट समथिंग इज डन ऑन सब्जेक्ट। यानी कि एक वर्ब को पैसिव वॉइस में होना तब समझा जाता है जब वो यह दिखलाए कि कोई काम सब्जेक्ट पर ही किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जाता है। तो उस सेंस में हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में होना समझते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल पर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, क्रिकेट इज प्लेड बाई ही, मतलब कि क्रिकेट द्वारा, उसके द्वारा खेला जाता है। तो यहाँ देखिए, क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा है बल्कि इसी पर एक्शन किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में, आई एम हेल्प बाई राम, मेरी मदद राम के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आई जो है वो मदद, जो आई है यहाँ पर देख लीजिए, जो आई है वो मदद नहीं कर रहा है। आई क्या है? मदद नहीं कर रहा है बल्कि आई की खुद मदद की जा रही है, यानी कि एक्शन जो किया जा रहा है वो आई के द्वारा नहीं किया जा रहा है बल्कि आई पर ही किया जा रहा है। इसलिए क्या है? आई यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं आप, ए लेटर इज रिटन बाई यू, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ए लेटर जो है वो सब्जेक्ट है और ये काम कोई कर नहीं रहा है बल्कि इसी पर काम किया जा रहा है, इसलिए क्या है? पैसिव है। सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ भी है, ए बुक इज बींग रेड बाई हर, यहाँ भी जो ए बुक है वो भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी ए बुक कोई काम नहीं कर रहा है, इसी पर काम हो रहा है, इसलिए क्या है? इसलिए यह जो है वो आपका पैसिव वॉइस है। तो आप जान पाए कि डिफरेंस क्या है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में?
आसानी से, क्योंकि अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और सब्जेक्ट पर अगर कोई काम किया जाता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब रूल्स की तरफ, कि इसके रूल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगले रूल को। क्या देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है कि हाउ टू राइट एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे लिखें। तो जो पहला रूल है वो है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या होता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। यानी ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का, यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो। ठीक है, यूज पास्ट पार्टिसिपल और भी3 इन पैसिव वॉइस, यानी पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम भी3 भी कहते हैं, भर का तीसरा रूल, तो पैसिव वॉइस में हमेशा भी3 का यूज होता है। तीसरा रूल है यूज अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस बिफोर भी3 और पास्ट पार्टिसिपल। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि भी3 को अकेला यूज नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, कि उसके पहले कोई अप्रोप्रिएट यानी जो टेंस है एक्टिव सेंटेंस का या एक्टिव वॉइस का जो टेंस है उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं भी3 के पहले रखते हैं, तब जाकर के वॉइस आपका बनता है। तो आप क्या करेंगे कि एक एक्टिव यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब भी3 के पहले एक उपयुक्त टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आपको रखना होगा, क्योंकि आगे समझाया जाएगा रूल्स में कि कैसे आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है किस टेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द एजेंट और डूअर ऑफ द पैसिव वॉइस आफ्टर अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन और इज ड्रॉप्ड। कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसे क्या किया जाता है कि पैसिव वॉइस का एजेंट या डूअर बना दिया जाता है। डूअर का मतलब जो काम कर रहा है या जो काम करता है उसको कहते हैं, एजेंट का मतलब काम करने वाला होता है या डूअर का मतलब जो काम करने वाला होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या किया जाता है कि अगर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस के एजेंट के रूप में रख देते हैं या फिर उसे ड्रॉप कर देते हैं, यानी उसे हटा देते हैं। किसी प्रीपोजिशन के बाद हम उसे एजेंट के रूप में रख देते हैं या फिर उसे हटा देते हैं, अगर जरूरत नहीं होती है तो उसे हटा दिया जाता है। तो किसे हटा दिया जाता है देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ कि इंडिफिनिट सब्जेक्ट लाइक समवन, इंडिफिनिट सब्जेक्ट जैसे कि समवन हो गया, नॉन हो गया, नो वन हो गया, नो नोबडी हो गया, समबडी हो गया, पीपल हो गया, इस प्रकार से जितने भी इंडिफिनिट सब्जेक्ट हैं जो एक किसी खास व्यक्ति को डिनोट नहीं करते हैं, है ना, जो एक से अधिक लोगों को डिनोट करते हैं उन्हें कहा जाता है इंडिफिनिट सब्जेक्ट। तो ऐसे अगर सब्जेक्ट आपको मिलते हैं एक्टिव वॉइस में तो कह रहे हैं कि इट इज नॉट यूज्ड एज द एजेंट और डूअर ऑफ द पैसिव वॉइस, तो इसका यूज हम पैसिव वॉइस के एजेंट या डूअर के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा सब्जेक्ट हो एक्टिव वॉइस का तो उसे पैसिव वॉइस में आप क्या कर दें, रिमूव कर दें, ड्रॉप कर दें, हटा दें, हाइड कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि टेंस के बेस्ड वॉइस मतलब टेंस पर आधारित वॉइस कैसा होता है, किस प्रकार से हम डिफरेंट टेंसेस के वॉइस को बना सकते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं और कैसे ट्रिकली हम क्या करते हैं कि उसे आसानी से उसके आंसर का हम पता लगा सकते हैं अगर सेंटेंस दिया गया हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर जिस भी प्रकार के क्वेश्चन में दिया गया हो, तो आप कैसे उसे क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। हालांकि आजकल जो कॉम्पिटेटिव युग है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं आपको पता है, तो कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम कैसे ट्रिकली उसको क्या कर सकें, चुन सकें अपने आंसर को, इसे हम देखेंगे अगले स्लाइड में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रूल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेज, मतलब अलग अलग प्रकार के टेंसों पर जो रूल्स है वॉइस का उसे देखेंगे पहले हम, और इसके बाद हम इसी मतलब कि इस सेशन में यानी कि वॉइस के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि एडवांस वॉइस को भी देखेंगे। तो पहले हम टेंस बेस्ड देख लें उसके बाद से हम एडवांस वॉइस को देखेंगे। तो पहला देखिए यहाँ जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है एक्टिव पैटर्न, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V1 क्या होता है, जो मूल रूप होता है वर्ब का उसे हम V1 कहते हैं, और जैसे ही उसमें हम S और ES लगाते हैं तो V5 हो जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो होता है एक्टिव सेंटेंस का पैटर्न होता है किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ओके, इसका पैसिव क्या होता है, तो पैसिव इसका होता है ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस by प्लस एजेंट। यानी क्या होता है इसका, यानी कि अगर इसके हम पैसिव पैटर्न को देखें तो होता है ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस by प्लस एजेंट। जैसे यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस एक दिया गया है कि ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट को हम क्या करते हैं, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस कहते हैं, यहाँ से क्रिकेट हो गया। अब क्रिकेट के अनुसार इसमें से एक चुनना है हमको EJMR में, तो क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब इज है तो यहाँ इज आ गया, तो क्रिकेट इज हो गया।
उसके बाद v3, तो प्लेट या v3 क्या होता है, प्लेट होता है, तो हमने यहाँ प्लेट लिख दिया, तो प्लेट हो गया ये। उसके बाद से बाई बाई लगा दिए, मैंने कहा था अप्रोप्रिएट पोजिशन लगाने के लिए, और बाई जो होता है बाई डिफॉल्ट ज़्यादातर बाई का ही यूज़ किया जाता है एजेंट के पहले, तो उसके रीजन भी है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और तो उसके लिए हम बाई का यूज़ करते ही हैं, अगर कोई वस्तु आता है तो उसके लिए विथ का यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन में, जो प्रीपोजिशन में आपने पढ़ा होगा, या फिर मैं जब प्रीपोजिशन के चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसके बड़े बेहतर तरीके से क्लियर करूंगा। तो लेकिन ज़्यादातर हम बाई का यूज़ करते हैं एजेंट के साथ, और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जहाँ पर कि अलग भी प्रीपोजिशन का यूज होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट बना दिया गया है, और इसके अनुसार इज ले लिया गया, फिर v3, तो प्ले का v3 प्लेट होता है, बाई और ये जो एजेंट है सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसे हम एजेंट के रूप में या इंडिवर के रूप में यहाँ पर रख दिए हैं। तो बाई के बाद यानी कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस ही में यहाँ पर यूज किया गया है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है यू राइट ए लेटर, तो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है यू जो सब्जेक्ट है, v1 राइट है, और ए लेटर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो ए लेटर हो गया यहाँ पर। अब ए लेटर जो सिंगुलर है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ से इज हो जाएगा, तो ए लेटर इज हो गया। अब भित्री जो है राइट का भित्री क्या होता है, रिटर्न होता है बाई, और ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो आ जाएगा एजेंट के रूप में पैसिव वॉइस के, यू यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस जो है इसका एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जब डज लग जाता है तो आप वी फाइव का यूज नहीं करते हैं, डज लगने के बाद हम वी फाइव का यूज नहीं करते हैं, वी फाइव क्या हो जाता है, वी वन हो जाता है, तो हम डज के बाद वी फाइव का यूज नहीं करते, ये भी आप याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है एक्टिव पैटर्न है नेगेटिव सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ओके। तो इसका पैसिव क्या होता है, पैसिव होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट जो है वो क्या होता है, इसका पैसिव पैटर्न होता है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे, यानी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ही डज नॉट हेल्प मी, या ही जो है सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब हेल्प वी वन, और यहाँ मी जो है ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं पैसिव इसका कैसे बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो मी है मी ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आई हो गया यहाँ पर आई, और आई के साथ क्या लगता है, तो एम लगता है, तो हमने एम लगा दिया, एम के बाद क्या होगा नॉट होगा, नॉट लगा दिया, भी थ्री, तो हेल्प का भी थ्री क्या हो जाएगा, तो हेल्प हो जाएगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, हेल्प को यहाँ पर हेल्प होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हेल्प हो जाएगा, आई एम नॉट हेल्प, और बाई उसके बाद से, और फिर आपका ये जो है सब्जेक्ट है ये इसको किसके रूप में रखेंगे, तो एजेंट के रूप में रखेंगे, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, यानी कि आई एम नॉट हेल्प बाई हिम हो जाएगा यहाँ पर। ही डज नॉट हेल्प मी, ठीक है, तो ही डज नॉट हेल्प हिम मी, सॉरी ये है एक्टिव सेंटेंस, इसको पैसिव बनाएंगे तो मी क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके साथ एम लगेगा, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर वी थ्री यानी हेल्प का वी थ्री हेल्प होता है, तो यहाँ पर हेल्प लगा देंगे, हेल्प होगा यहाँ पर, और उसके बाद से हम क्या करेंगे बाई अथवा एजेंट, यानी एजेंट क्या होता है सब्जेक्ट होता है किसका, एक्टिव वॉइस का, तो सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करेंगे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के बाद यहाँ रख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यह दूसरा सेंटेंस है आई डू नॉट टीच यू, तो फिर देखिए यहाँ आई डू नॉट टीच यू में यू ऑब्जेक्ट है, तो यू को क्या करेंगे सब्जेक्ट बना देंगे, तो यह क्या हो गया यू हो गया, यू के साथ क्या लगता है, तो प्लुरल वर्ब आर लगता है, तो यहाँ आर लगा दिए यू आर, फिर नॉट का नॉट हो जाएगा यहाँ पर नॉट, टीच का भीतर क्या होता है टॉट होता है, तो यू आर नॉट टॉट, और फिर बाई उसके बाद से आई जो है सब्जेक्ट एक्टिव वॉयस का, इससे हम क्या करेंगे कि पैसिव वॉयस के एजेंट के रूप में लिखेंगे, तो बाई के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, तो ये आपका इसका इस एक्टिव का ये पैसिव वॉइस आपका बन गया। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं, और इस प्रकार से आप पॉजिटिव सेंटेंस के एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कि दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक होता है यस-नो टाइप और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। तो यस नो टाइप में क्या होता है कि जो शुरू होता है सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कैसे शुरू होता है, यस नो टाइप में सेंटेंस शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सेंटेंस शुरू होता है डब्ल्यूएच वर्ड से, जैसे व्हाट वेयर व्हाई व्हेन ये सब इन सब शब्दों से शुरू होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन वाला जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, पहले इसको हम देखेंगे कि इसका क्या रूल्स है, और उसके बाद से हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे कि उसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि पहले जो एक्टिव सेंटेंस होता है
उसका डूडा, पहले डूडा लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, तब वी1 लगाते हैं, तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में आप देख सकते हैं एम इज आर को पहले रखा जाता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, फिर V3, फिर बाई प्लस एजेंट। जैसे यहाँ एक्टिव देखिए इसका क्या है, डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो डू यू प्ले क्रिकेट में डू है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है प्ले, और ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अब क्रिकेट को हमको क्या करना है कि सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके अनुसार वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर में वर्ब क्या लगेगा, तो इज लगेगा, तो पहले इज रख दिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और फिर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इज यहाँ पर हमने रख दिया क्रिकेट के पहले, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया क्रिकेट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इसको यहाँ पर उठाकर रख दिया सब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद से यहाँ V3 है, यहाँ V3 है, तो प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, और फिर बाई, और उसके बाद से देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है एक्टिव सेंटेंस में यू, इसको हम क्या करेंगे कि एजेंट के रूप में रख देंगे पैसिव वॉइस के। तो हो गया इज क्रिकेट प्लेड बाई यू, एंड डू यू प्ले क्रिकेट का पैसिव क्या हो जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। उसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं आप डब्ल्यू एच वर्ड से कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, और उससे हम कैसे पैसिव में बदलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डब्ल्यू एच वर्ड को वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर है, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस सब्जेक्ट, ये जो होता है पैटर्न होता है, ये आपका पैटर्न हो गया किसका, तो डब्ल्यू एच वर्ड्स का सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, मतलब कि सेम वही रूल होता है जो यस नो क्वेश्चन का होता है, लेकिन क्या करते हैं केवल डब्ल्यू एच वर्ड को लगा देते हैं, तो सिमिलर वैसे ही बनेगा, मतलब कि जैसे हम लोगों ने यस नो क्वेश्चन का भी बनाया, ऊपर हमने जो बनाया आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस, सेम वैसे ही बनेगा। क्या करना है कि डब्ल्यू एच वर्ड को हटा देना है बनाते समय, और फिर सबसे शुरू में उसको रख देना है। जैसे देखिए कैसे ये बनेगा, एक्टिव में यह है कि हाउ डू यू राइट ए लेटर, तो यहाँ पर हाउ को हम हाइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, और इसको बना लेंगे डू यू राइट ए लेटर, जैसे कि ऊपर हमने बनाया, और हाउ को शुरू में रख देंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा कि डू यू राइट ए लेटर, तो यहाँ पर ए लेटर है ऑब्जेक्ट, ए लेटर के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, तो पहले इज लगा दिया यहाँ उन्हें, है ना, इज, और फिर यहाँ लगा दिया ए लेटर यानी ऑब्जेक्ट है, तो और राइट का V3 क्या होगा, रिटर्न होगा, बाई सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और हाउ को क्या किया, ऊपर से उतर के यहाँ लगा दिया, बन गया आपका हाउ इज ए लेटर, हाउ इज ए लेटर रिटर्न बाई यू, माने कि आपके द्वारा एक लेटर कैसे लिखा जाता है, तो ये हो गया आपका हाउ डू यू राइट ए लेटर। तो फिर देखिए यहाँ पर कि यू जो सब्जेक्ट है ना, और ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस में हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर ए लेटर यहाँ आ गया, इसके पहले क्या होगा, इज होगा, इज हमने लगा दिया, और उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड को लगा दिया, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत हुआ है सेंटेंस का, डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ लग गया, यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड में हाउ हो गया इज हाउ, और फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, ए लेटर यहाँ पर है, उसके बाद से V3 राइट का रिटर्न हो गया, और फिर वाई लगाएंगे, और फिर यू जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन से पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट के सभी जो भी सेंटेंसेज है उसके हम पैसिव को बना सकते हैं। तो आज इतना ही, और अगले पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले टेंसेज के वॉइस को देखेंगे कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।